नमस्ते दोस्तों, स्वागत वंदन अभिनंदन। कक्षा दूसरी का कविता नंबर 5 में हम कितने सारे त्यौहार त्यौहार बोलते से आपको बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत अलग अलग त्यौहार होते हैं। अब देखो त्यौहार की बहार कैसे आती है, हर साल बहुत बहुत त्यौहार आते हैं। अब बताइए ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें कौन कौन से त्यौहार नज़र आ रहे हैं आपके? ये जो होली है ना, जिसको लोहड़ी भी कहा जाता है, और ये काय का संकेत दे रहा है, ये फटाके, यानी ये त्यौहार कौन सा है, दिवाली, और इसे क्या कहते हैं, ये क्रिसमस है ना। तो ऐसे बाहर है तो नन्हे दोस्तों चलिए हम देखते हैं। जंगल के सभी पशु पक्षियों ने छुट्टी का दिन अलग अलग ढंग से मनाया। किसने मनाया है? पशु पक्षियों ने। जंगल के सभी पशु पक्षियों ने छुट्टी का दिन अलग अलग ढंग से मनाया है। अब कविता पढ़कर जाने कि उन्होंने अलग अलग त्योहारों को कैसे मनाया, चलिए हम देखते हैं किसने मनाया। पहले ध्यान से अध्ययन कीजिए, पहले सुनिए, ये जो त्यौहार मना रहे कौन मना रहे? पशु और पक्षियों का त्यौहार मना रहे। कब मना रहे? छुट्टी के दिन। और कैसे बना रहे? अलग अलग ढंग से। अलग अलग ढंग से यानी कौन कैसा मनाता है, तो हम ये कविता पढ़कर जाने कि उन्होंने अलग अलग त्योहारों को कैसे मनाया। तो इस पाठ से जुड़े कुछ शब्द जैसे कि त्योहार, बहुत सारे जो हमने देखा है, होली, दिवाली, ईद है ना, और लोहड़ी, ये भी त्योहार है। दिवाली भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें आप बहुत पटाखे फोड़ते बट इको फ्रेंडली है ना। और ईद, हम गले मिलकर ईद भी सेलिब्रेशन करते हैं। और क्रिसमस है ना, हैप्पी क्रिसमस बोल के क्रिसमस, ये जो है त्योहारों के नाम हैं, लोहड़ी, दिवाली, ईद, क्रिसमस। अब देखिए, अब कविता पढ़ेंगे अपन, कविता देखेंगे, और ये आप लोग हो ना, कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, कितने अच्छे से मना रहे हो और कविता पढ़ रहे हो। देखो, मौसम बदलता जैसे अपना रूप रंग हर बार, वैसे वैसे आते देखो नए नए त्यौहार। मौसम बदलता, जैसे मौसम बदलता है ना, जैसे धूप काला है, बाद में तुम्हारी जैसे बरसात आती है, ठंडी आती है, वैसे मौसम जैसे जैसे बदलता है, वैसे हर बार त्योहारों का क्या रूप रंग भी हर बार बदलता है। और वैसे वैसे क्या आते हैं, नए नए त्यौहार आते हैं। जैसे कार्तिक होता है, कार्तिक में दिवाली आती है, फाल्गुन होता है, उसमें होली आती है, वैसे ही मूंगफली तिल की खुशबू से भर जाते बाजार, साल में जब भी आता लोहड़ी का त्यौहार। कौन सा त्यौहार आता है? लोहड़ी। लोहड़ी यानी इधर हम इसको होली भी कहते हैं। और लोहड़ी में काय का होता है? मूंगफली और तिल, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी, जब उसको भूनते हैं ना बहुत अच्छी खुशबू आते हैं, और उसको गुड़ वगैरह डाल के बहुत अच्छे से उसकी मिठाई बनाते हैं। मूंगफली तिल की खुशबू से भर जाते बाजार, साल में जब भी आता लोहड़ी का त्यौहार। जब लोहड़ी का त्यौहार आता है, मूंगफली और तिल्ली की खुशबू पूरे बाजार में घूमने लगती है। अब बताइए इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? फटाके, मम्मी पापा के साथ में मनाना चाहिए। देखो ये दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ में है ना। दीपों की झिलमिल से रोशन, दीपों की झिलमिल से रोशन हो जाता सारा संसार, साल में जब भी आता दिवाली का त्यौहार। कौन सा त्यौहार आता है? साल में एक बार आता है ना, दिवाली। दिवाली को हम बहुत अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, और बहुत आनंद के साथ दिवाली मनाते हैं, फटाके फोड़ते हैं। और ये दिवाली सिर्फ एक दिन का त्यौहार न होते हुए ये 5 दिनों का त्यौहार मनाते हैं। कितने दिनों का? 5 दिन का। पक्की दिवाली, कच्ची दिवाली, भाई बीज है ना, इस तरह से होते 5 दिनों का त्यौहार मनाते हैं। और देखिए,
आसमान में चांद देखकर गले लगे हर बार, आसमान में चांद देखकर गले लगे हर बार, साल में जब भी आता ईद का त्यौहार, कौन से त्यौहार को गले मिलते हैं? ये देखो, ये दोनों जो है सलीम और रहीम, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूजों के गले मिलकर ईद मुबारक बोल रहे। क्या बोल रहे उनको? ईद मुबारक। ये इसे कहता ईद मुबारक और ये इन्हें कहते हैं ईद मुबारक। मगर कब कहते हैं? जब आसमान में चांद देखते हैं, चांद देखे बाद में वो ईद मुबारक बोलते हैं। आसमान में चांद देखकर, चांद किसे कहते हैं? इन्हें चांद कहते हैं। जैसे दिन में सूरज उगता है, रात को चांद उगता है। तो आसमान में चांद देखकर गले लगे, दोनों एक दूजे के गले लग रहे हैं। गले लगे हर बार, साल में जब भी आता ईद का त्यौहार। तो हमने क्या क्या देखा है? दिवाली हो गया, लोहड़ी हो गया और ईद हो गया। अब बताइए इस पिक्चर में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? हाँ, क्रिसमस। यीशु का जन्मदिन मनाते हम हर बार, साल में जब भी आता क्रिसमस का त्यौहार। यीशु, यीशु क्रिस जो है इनका क्या रहता उस दिन? जन्मदिन। यीशु का जन्मदिन मनाते हर बार, साल में जब भी आता है क्रिसमस का त्यौहार। कब आता है क्रिसमस का त्यौहार? 25 दिसंबर। इस दिन को क्रिसमस बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। चलो एक बार मेरे साथ और पढ़ो जोर से। यीशु का जन्मदिन मनाते हम हर बार, साल में जब भी आता क्रिसमस का त्यौहार। जब भी आते त्यौहार क्या आते हैं? जब भी आते त्यौहार लाते खुशियां हर बार, सबके साथ मिलकर हम मनाते एक त्यौहार। और त्यौहार कैसे मनाते हैं? सबके साथ। अकेले मनाते हैं क्या? नहीं, सबके साथ जब मनाते हैं उसे त्यौहार बहुत अच्छे से भी मनता है और हमें आनंद भी आते हैं और खुशियाँ भी बहुत बांटे जाता है। अब देखिए इन त्यौहारों पर आप और क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हो? बहुत अच्छे से मिठाइयाँ खाते हो, इंजॉय करते हो, पटाखे फोड़ते हो। ईद आए तो दोनों गले मिलते हैं, क्रिसमस आए तो एक में गिफ्ट देते हैं, है ना? इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। देखिए अब कलम की सवारी, इसमें क्या है? इसमें क्या करना है आपको? दिए गए त्यौहारों से कौन कौन से शब्द जुड़े हैं? तो ये शब्द जुड़े फसल, कटना, नवरात्रि, पटाखे, चर्च, राखी, रोजा, तिलक, रावण, केक, भांगड़ा, गिद्धा नृत्य, चांद, दिए। अब ये जो शब्द दे रखे हैं वो किस किस त्योहारों में आते हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, है ना? तो देखिए दीपावली मनाए सुहानी। तो दीपावली में हम क्या करते हैं? फटाके और दिए, बहुत सारे दिए जलाते हैं ना। अब क्या आया है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में पहचानिए इसमें से कौन कौन सा आप नाम लिखोगे यहाँ पर? सही, आपको लिखना है राखी और तिलक। जब हम तिलक लगाते हैं और भाई को तिलक लगा के क्या करते हैं? राखी बांधते हैं। तो रक्षाबंधन में क्या आ गया? तिलक और राखी। वैसे नंबर ग का क्या है? क्रिसमस। अब इसमें से बताइए क्या क्या करोगे क्रिसमस और कहाँ करोगे? सही, ये है चर्च और ये है केक। तो आपको क्या करना है? चर्च में जाना है और हर एक के घर में क्या बनता है? केक, जिसको आप काट के हैप्पी क्रिसमस करते हो। तो ये हो गया क्रिसमस का त्यौहार, है ना?
अब आगे देखते हैं बैसाखी। बैसाखी में क्या क्या होता है बताइए बताइए। तो इसमें होता है भांगड़ा और गिद्दा नृत्य। पंजाबी लोग बहुत अच्छे से नृत्य करते हैं और उसी में फसल आ जाती है, तो वो फसल कटना भी उसी टाइम बैसाखी में करते हैं। भांगड़ा नृत्य है ना, और इधर फसल कटना जो होता है ये होता है बैसाखी में। और अब दशहरा बताइए, दशहरा कब आता है? हाँ, अब देखते हैं रमजान। जब रमजान महीना खत्म होता है तो ईद आती है उस दिन। अब ईद के दिन क्या क्या होता है, तो उसमें पूरा एक महीना क्या करते हैं, रोजा करते हैं, उपवास रखते हैं। सुबह बिल्कुल थोड़ा सा नाश्ता करते हैं और पूरा दिन पानी भी नहीं पीते हैं, इतना बहुत कड़क ये रोजा करते हैं। रोजा, और कब ईद कब मनाते हैं, चांद देखे बाद में, रोजा और चांद। तो ये रमजान कब बनता है, पूरा एक महीना रहता है, उसके बाद में रोजा रखते हैं, रोजा के बाद में चांद देखते हैं और चांद के बाद में ईद सेलिब्रेशन करते हैं गले लग के। अब देखिए, अब आता है दशहरा। दशहरा कब आता है, पहले 9 दिन नवरात्रि होती है और 10वें दिन दशहरा आता है। और इसमें क्या कहा जाता है, राम जी ने जब रावण का वध करा वो दिन भी कौन सा था, दशहरा, रावण। और ये देखिए नवरात्रि, 9 दिन जब पूरे होते, नौ रात पूरी हो जाती है, 10वां जो दिन आता है उसे कहते हैं दशहरा। और इसमें राम जी ने क्या किया, रावण वध, तो इसलिए दशहरे के दिन रावण वध होता है और इसलिए कहते हैं उसे दशहरा। नवरात्रि के बाद में आने वाला, आगे देखिए बातें भाषा की। कविता में हमने त्योहारों से संबंधित बहुत सारे शब्द पढ़े, उनमें से कुछ एक और कुछ बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, है ना, बताते हैं ना। ऐसे शब्द एक वचन, जो एक रहता है उसे एक वचन कहते हैं और एक से जो ज़्यादा है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कौन से शब्द कहलाते हैं, जैसे मूंगफली, मूंगफली क्या हुई, एक वचन। मूंगफली कैसी हुई, एक वचन है, बट एक वचन और मूंग फलियाँ, जहाँ फलियाँ लग गया है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। तो मूंगफली एक वचन और मूंगफलियां बहुवचन है। अब देखो, देखिए प्यारे बच्चों, कविता में हमने त्योहारों से संबंधित बहुत सारे शब्द पढ़े, उनमें से कुछ एक और कुछ बहुत सारी चीजों को बताते हैं। जैसे एक वचन, जो एक चीज होती है उसे एक वचन कहते हैं, एक से जो ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, बहुवचन, है ना, शब्द कहलाते हैं। जैसे मूंगफली, मूंगफली कैसी, एक ही होती है जिसे क्या कहते हैं, मूंगफली। और मगर जो एक से ज़्यादा होते हैं, मूंगफली एक वचन और मूंगफलियाँ, एक से जो ज़्यादा है उसे क्या कहते हैं, मूंगफलियाँ, वो बहुवचन है। अब दिए गए शब्दों में से एक वचन के सामने एक तारा, एक स्टार है ना, दिए गए शब्दों में से एक वचन के सामने एक तारा और बहुवचन के सामने दो तारे। अब यहाँ पर भी एक वचन, ये एक है इसलिए एक वचन, यहाँ दो तारे हैं इसलिए क्या बताया गया, ये बहुवचन, ये एक वचन। हाँ, तो हमने देखा है जहाँ एक वचन है वहाँ आपको एक तारा, और जहाँ बहुवचन है जहाँ आपको दो तारे बनाना है। अब बताइए कपड़ा, कपड़ा एक है कि दो है, कपड़ा एक ही है, तो यहाँ पर आपको एक ही तारा बनाना है, ठीक है। अब देखते
इधर क्या है, पटाखे, एक से ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दो तारे बनाना है। यहाँ पर पटाखे है, अब यहाँ पर वापस देखिए आप, मिठाई एक है, मिठाइयाँ है क्या, नहीं, मिठाई मिठाई है, इसलिए हमें यहाँ एक ही स्टार बनाना, एक ही तारा बनाना है, ठीक है। अब आगे देखो, टोपी, टोपी एक है, टोपियाँ है क्या, नहीं, टोपी होने के लिए यहाँ पर वापस से एक ही आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, किताबें, किताब एक, मगर किताबें अनेक, इसलिए ये बहुवचन है, किताबें। अब यहाँ पर वापस आ गया, क्या है, कपड़े, यहाँ पर कपड़ा और यहाँ कपड़े, ये जो कपड़ा है तो एक वचन है, कपड़े है तो बहुवचन है, तो यहाँ पर हमें कितने तारे निकालना है, दो तारे, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, पटाखा, पटाखा है ना, जो आपने दीपावली को फोड़े वो पटाखा, मगर पटाखे है क्या, नहीं, इसलिए हमें ओनली सिर्फ एक तारा निकालना है। अब देखिए यहाँ पर मिठाइयाँ, मिठाई होता तो एक निकालते, मगर मिठाइयाँ है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ दो तारे निकालना है, तो यहाँ मिठाइयाँ हैं। अब यहाँ पर देखो, टोपी या, यहाँ पर एक वचन में है तो एक तारा है, मगर यहाँ से टोपी से क्या हो गया, यहाँ टोपियाँ, यहाँ पर आपको दो तारे निकालना है। तो इस तरह से आपको एक वचन और बहुवचन में फर्क देखना है, और मैं चाहती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि जहाँ पर एक चीज़ होती है उसे एक वचन कहते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा आती है वहाँ बहुवचन कहते हैं। आगे देखिए, कविता में से पांच एक वचन या बहुवचन शब्द चुने और उनका वाक्यों में प्रयोग करें। अब जैसे टोपी आपने एक वचन में ले लिया, कपड़ा, पटाखा, ये एक वचन में आ गया, उसका क्या करना आपको, वाक्यों में प्रयोग कैसे करोगे। एक किसान टोपी पहनता है ना, वही अनेक वचन में कैसे आ गए, बहुत सारे जो पुरुष होते हैं टोपियाँ पहनते हैं। इस तरह से आपको पांच एक वचन के शब्द के वाक्यों में प्रयोग करना है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे दोस्तों, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कौन सा पढ़ा हमने, कितने सारे त्यौहार, इसमें बहुत सारे त्यौहार पढ़े, ईद, लोहड़ी, क्रिसमस, और मैं जानती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से ध्यान से अध्ययन किया है, और मैं चाहती हूँ कि इसे आप क्या करें, कंठस्थ करें, जब भी आपको ये पूरी आएगी तो आप बहुत आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि रिक्त स्थानों में जो आता है तो इसके आपको 5 मार्क्स रहते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान से इस कविता को कंठस्थ करिए, और आपने बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे से ध्यान दे के किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।